कांग्रेस के लिए संकट मोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार राज्य में सीएम पद की रेस में सबसे आगे नजर आ रहे। उनकी दावेदारी को इसलिए भी सबसे मजबूत माना जा रहा है क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस को मजबूत स्थिति में लाने का श्रेय उन्हीं को दिया जा रहा है। हालांकि सीएम पद के लिए राज्य के पूर्व सीएम सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच रेस जारी है। डीके शिवकुमार की राजनीतिक सफर की बात करें तो उनके पिता कैंपेगौड़ा भी कांग्रेस नेता थे और विधायक भी। 1989 में डीके शिवकुमार ने पहला चुनाव बेंगलुरु के सातनूर सीट से जीता और इसके बाद से ही वो अब तक चुनाव नहीं। डीके ने 1979 से 2004 तक सातनूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद 2008 से लेकर 2023 का चुनाव उन्होंने कनकपुर सीट से लड़ा और जीत। 1989 में डीके शिवकुमार ने 44,595 वोट हासिल किए तो 1994 में उन्हें 48,270 वोट। इसके बाद 1999 में 56,050, 2004 में 51,603, 2009 में 68,096, 2013 में 1,07,000 वोट। यह आंकड़ा 2018 में और बढ़ गया और उन्हें 1,27,552 वोट मिले। तो वहीं इस बार 2023 में उन्हें 1,43,023 वोट मिले। हलफनामे की बात करें तो संपत्ति 2018 में उनके द्वारा जो चुनाव आयोग को दिया गया उसके मुताबिक डीके की संपत्ति 840 करोड़ रुपए थी, तो वहीं बढ़कर 2023 में ये अब 1413 करोड़ रुपए है। पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह वो मजबूत। कांग्रेस में डीके शिवकुमार की रणनीति और पार्टी मैनेजमेंट का कोई तोड़ नहीं है। डीके शिवकुमार का सिर्फ पार्टी के अंदर ही नहीं बल्कि पार्टी के बाहर भी दबदबा दिखता है। वो कांग्रेस को कई मौकों से मुश्किलों से बाहर भी निकाल चुके। दरअसल साल 2002 में महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख की सरकार खतरे में, बीजेपी ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। दरअसल 9 विधायकों ने देशमुख सरकार को समर्थन नहीं देने का ऐलान कर दिया। तब एक हफ्ते तक डीके ने बागी विधायकों को बेंगलुरु के अपने रिजॉर्ट में रखा। बाद में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान देशमुख बहुमत साबित करने में कामयाब हुए और उनकी सरकार बची। 2017 में भी सोनिया गांधी के करीबी रहे अहमद पटेल की राज्यसभा सीट डीके शिवकुमार की वजह से ही बची थी। उस दौरान पटेल की सीट दांव पर थी। उस दौरान भी डीके ने कांग्रेस के 44 विधायकों को अपने रिजॉर्ट में रखा था। नतीजा ये रहा कि अहमद पटेल चुनाव जीते। डीके शिवकुमार पर ईडी ने 2018 में कार्रवाई शुरू। उनके ऊपर जांच एजेंसी ने टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग समेत 19 से अधिक मामले दर्ज किए। 60 साल के डीके शिवकुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा और उन्हें एक साल पहले ईडी ने गिरफ्तार भी किया। हालांकि पार्टी में उनकी मजबूत स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ईडी द्वारा हुई गिरफ्तारी के बाद उन्हें पार्टी ने 2020 में कर्नाटक पीसीसी प्रमुख नियुक्त किया। राज्य में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उन्हें एक लंबी और कठिन लड़ाई के लिए भी जाना जाता है। फिलहाल रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।